उत्तराखंड किसान आयोग के अध्यक्ष और किसान नेता चौधरी राजेंद्र सिंह ने आखिरकार कांग्रेस को अलविदा कह ही दिया। आज एक होटल में प्रदेश बसपा प्रभारी ने उनके बसपा में जाने के निर्णय पर मोहर लगाई। 3 बार विधायक रहे बसपा नेता हरिदास का निलंबन समाप्त करते हुए उन्हें प्रदेश समन्वय की जिम्मेदारी दी गई। रामनगर स्थित एक होटल में आयोजित मीटिंग में बसपा नेताओं ने उन्हें पार्टी में शामिल करने और पार्टी हाईकमान के निर्णय की जानकारी दी। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि पूरे परिवार को मायावती का आशीर्वाद मिला है। उन्होंने पार्टी को सक्रिय करने के लिए मंगलोर क्षेत्र के नेता सतपाल बावरा को पार्टी में लेने के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष के पति अशोक चौधरी को लोकसभा समन्वय बनाकर पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। इस अवसर पर चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बसपा से ही की थी। उन्होंने कहा कि बसपा की नीतियों और मेरे जिम्मेदार समर्थकों को पार्टी में शामिल करने के लिए 2 दिसंबर को एक कार्यक्रम का जबरदस्त आयोजन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्तिगत कारणों से वह पार्टी से अलग हुए थे, लेकिन बहन जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा। जब सविता चौधरी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने की बात थी तब भी इसमें उनका सहयोग रहा। इसे बसपा में ज्वाइनिंग नहीं बल्कि अपने लोगों के बीच वापसी कहना अधिक अच्छा होगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रहे चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि लखनऊ में मुलाकात के बाद मैं बहुत खुश हूं और मेरे पार्टी में आने का लाभ दलित गुज्जर समाज की बढ़ोतरी के रूप में सामने आएगा। उन्होंने इसका श्रेय कुलदीप को देते हुए कहा कि वे पिछले 1 महीने से मुहिम में जुटे हुए थे। पहले लोगों ने इसमें अड़चने डाली, लेकिन हम कम समय में ही मजबूती के साथ जिले में राजनीतिक रूप से दिखाई देंगे। ये स्पष्ट करना चाहता कि आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे कि लगभग सालों से मैं बहुत सक्रिय भूमिका कांग्रेस में नहीं, और उसका कारण ये है कि वो ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे रहे हैं जिनसे पार्टी का कहीं ना कहीं अहित हो, और मैं कोई बुरा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अब इस बात को महसूस कर रहा हूँ। और दूसरे जो बात मैं भी कही है कि मेरा सालों से प्रयास था, लेकिन बसपा के जो सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अच्छे तरीके से मेरी बात सुनी है, और मैं भी ये मन से मजबूती के साथ निर्णय लिया कि मेरा जो अच्छा और समाज का, मेरे खासकर गुर्जर समाज का और दूसरे समाज के जो लोग हैं उनका अगर इससे कुछ कांग्रेस से अच्छा भला हो सकता है तो बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती, तो इसलिए मैं बहुजन समाज पार्टी कहीं ऐसा तो सुभाष का ना बसपा में कुछ था ना यहाँ का। और मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब बसपा से गया था लगातार 18 वर्षों से कांग्रेस से जुड़ा रहा, और अब जो बात मैं पहले भी कही है बहुत साफ मन से बहन मायावती में कल आस्था व्यक्त करते हुए ये पूरे विश्वास के साथ भरोसा दिला रहा हूँ कि बाकी समय बहुत मजबूती के साथ, न किसी सुभाष की तुलना न किसी शहजाद की तुलना, मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी अच्छे से ही नमाजा गया है। क्योंकि मैं बहुत ही छोटा कार्यकर्ता था, मैं चौधरी साहब हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष हुआ करते थे, मेरठ मंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे, और हम उस टाइम पर विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे। हम बहुत छोटे कार्यकर्ता थे, जितने जो यहाँ तक पहुँचाया गया है वो बहन कुमारी मायावती जी के आदेश अनुसार ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज बहन जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारी पार्टी ने, हमारे सभी साथियों ने जो आज मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं निश्चित रूप से उस जिम्मेदारी को पूर्णतः पूरा समय देकर पूरा ईमानदारी से काम करके मैं अपने आप को खड़ा करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रहा हूं। बालियान जी के साथ आपकी जोड़ी बनी है हरिद्वार में, किस तरह से उत्तराखंड के अंदर अब नया भूचाल है? हरिद्वार में हम सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और खास करके हमारे युवा साथी हैं कुलदीप बालियान जी, मुझे बुजुर्ग को लगा गया इनके साथ में, मैं भी इनके साथ में मेहनत करूंगा और काम करूंगा। काम करने की इच्छा मेरे अंदर है, मैं पहले से ही, आज भी और शुरू से ही, हमेशा ही मैं शाम को अभी भी लाठरदेवा से 8 बजे शाम को आता हूँ, 9 बजे घर पहुँचता हूँ, और सुबह ही 8 बजे लाठरदेवा पहुँच जाता हूँ। दिन में जो क्षेत्र के लोगों के काम होते हैं वो निश्चित रूप से उनको करता हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं अपना पूरा समय बहुजन समाज पार्टी के जो पहाड़ों पर मेरे साथी मेरी वजह से या उनको पार्टी के जो पदाधिकारी रहे हैं उनको निष्क्रिय करने का काम किया है, उनको पूरी तरीके से उनके अंदर ऊर्जा भरकर पूरी ऊर्जा के साथ में फिर से बहुजन समाज पार्टी की सेवा करेंगे। और उन्हीं सभी साथियों को जिस तरीके से पहले बहुजन समाज पार्टी मजबूत थी,
8-8 विधायक बहुजन समाज पार्टी के थे, हमेशा ही जिला पंचायत का अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का रहता है। इस तरीके से ही हम जो है अब फिर हटकर मजबूती के साथ में और तीसरे नंबर की ताकत नहीं बल्कि पहले नंबर की ताकत लेकर हम उभरे हैं और निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी का बोलबाला होगा मजबूत। देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी के तमाम दरवाजे खुले रहते हैं क्योंकि सम्मान देना जानती है। जिन्होंने गलती की थी, जिन्होंने जिस तरह से जो हुआ है उसके लिए बहन जी ने संज्ञान लिया है, वो बहन जी का मामला है, बहन जी का आदेश है। हमें उनके आस्था है कि बहुजन समाज चौधरी राजेंद्र जी की, इनके पूरे परिवार की, भाई अशोक चौधरी जी हों या सविता चौधरी जी हों जो जिला पंचायत चेयरमैन हैं, या इनके बड़े भाई विजेंद्र सिंह जी हों, पूरे परिवार को ज्वाइनिंग कराई है। इन्हीं के साथ साथ इनके जिला पंचायत सदस्य जो जितने इनके साथ हैं 25-30-40 जितने साथ हैं वो सब ज्वाइनिंग करने के लिए आप लोगों को इसलिए 2 तारीख का समय दिया है। उसी के साथ हमारे पूर्व राज्य मंत्री रहे कांग्रेस से, उन्होंने अपनी आस्था जताते हुए बहुजन समाज पार्टी में आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करने का काम किया है। भाई डॉक्टर एसपी बावरा जी, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किया है और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इन दोनों लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया। भाई अशोक चौधरी जी को हरिद्वार लोकसभा का कोऑर्डिनेटर बनाने का काम किया है और दूसरे हमारे एसपी बावरा जी को भी हरिद्वार लोकसभा पे